जौहर विश्वविद्यालय की चर्चा जारी रहेगी। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला सोनीपत में है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वेटनरी की, जहाँ पे पशुपालन या पशुओं से संबंधित चिकित्सा या पशुओं से संबंधित ज्ञान अर्जित किया जाता है छात्रों द्वारा। हिसार में स्थित है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी में स्थित है। YMCA कॉलेज जो है YMCA कॉलेज फरीदाबाद में है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा। इनकी जो डेट है बहुत महत्वपूर्ण, याद रखने का तरीका सुनते रहिए। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, फूल से आप याद रखिए कि जो फूल होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, फूल बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे से याद रखिए। 2006 यानी कि अच्छे होते हैं, फूल बहुत अच्छे होते हैं, छः से यानी कि 2006 में स्थापित हुआ भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत का क्षेत्र है। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी स्थापना हुई 2010 में हुई। याद रखिए लाला जी जो है, लाला जी यानी कि जिनकी शॉप है, दुकान है, लाला जी की दुकान पे गए और हमने वहां पर उनके दुकान से 10 रुपए की कोई भी चीज़ खरीद ली। तो लाला जी की दुकान से नॉर्मली क्या होता है कि हम 5-10 रुपए की चीज़ें खरीदते हैं, तो 10 रुपए 5 रुपए में आजकल कुछ इतना आता नहीं है, तो 10 रुपए की चीज़ हमें खरीदनी है। तो लाला जी की दुकान से हमने 10 रुपए की कोई भी सामग्री खरीदी, तो 10 रुपए से आप याद रखिएगा कि लाला लाजपत राय जो है 10 से 2010, ये जो डेट आपको याद रह जाएगी। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी, बंसीलाल भिवानी सीधा से याद रहेगा, आप याद तो याद रखिए चौधरी से, चौधरी बंसीलाल 2014। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी चौधरी 2014। या याद रखिए कि बंसी जो होती है, बंसी को हम बोलते हैं फ्लूट, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लूट, तो फ्लूट यानी कि 14, फ्लूट से याद रहेगा, फ्लूट यानी कि फ्लूट 14, बंसी यानी कि फ्लूट होता है, फ्लूट से याद रहेगा, फ्लूट यानी कि 14। 2014 में स्थापना हुई। YMCA कॉलेज फरीदाबाद, YMCA की जो फुल फॉर्म है इट्स यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, यंग मैंस क्रिश्चियन, यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन फरीदाबाद। फरीदा को याद रखो, खरीदा कि जो YMCA कॉलेज था हमने खरीदा, तो हम कब खरीद सकते हैं, 66 में तो बने हैं, तो 66 में तो हमें खुद का डेवलप करना है, परंतु तो हमने क्या किया, जैसे ही 66 में हम डेवलप हुए, अगले ही वर्ष 1967 अगले ही साल हमने हमारा पहला विश्वविद्यालय खरीदा। पहला तो नहीं है, चलो मान के चलिए, इसको याद रखने का जो तरीका है 1967 पहला हमने खरीदा यानी फरीदाबाद YMCA अगले ही साल 1967 66 में स्थापित 67 में खरीद लिया। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय पीछे भी हमने चर्चा की थी, वहाँ डेट हमने थोड़ा गलत देखी थी, इसको आप यूँ याद रखिए, चौधरी देवीलाल जो है ये 5/4 दिन है, इसकी जो डेट है 5/4 दिन है, 5 अप्रैल 2003। पहले मैंने 3/4/5 शायद लिखवाया हुआ होगा कहीं, 3/4/5 नहीं है, ये 5/4/3 है, 5 अप्रैल 2003 को। तो ये थे हरियाणा के मुख्य विश्वविद्यालय जिनकी स्थापना कहाँ हुई, कहाँ पर स्थित हैं और कब हुई, ये जो डेट बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद रखनी है। आप इस वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करके दोबारा से सारी की सारी जो डेट आप चेक कर सकते हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे हरियाणा के मुख्य तकनीकी संस्थान कौन कौन से, तकनीकी जो संस्थान हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, और वो भी मैं आपको बाय ट्रिक बताने वाला हूँ कि किस डेट को आपने कैसे याद रखना है। हरियाणा डेयरी अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र, सब बातें हमें विद ट्रिक याद रखनी है। पशु अनुवांशिकी केंद्र जो है कब स्थापित हुआ, राज्य के प्रमुख तकनीकी अनुसंधान, तकनीकी अनुसंधान जो केंद्र है ये, यहाँ पर बहुत क्वेश्चन पूछे गए इस विषय से, बहुत बार क्वेश्चन आए हैं और हर बार जो क्वेश्चन बनता है वो किसी ना किसी डेट से रिलेटेड होता है, कि कोई एक डेट पूछी जाएगी आपसे और उसका जवाब देने में मैंने देखा है कि बहुत से विद्यार्थी असमर्थ रहते हैं। तो मैं आपको कोशिश करूँगा, छोटी सी कोशिश मेरी तरफ से, मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई ट्रिक का बेताज बादशाह हूँ, बट मैं एक छोटा सा प्रयास करूँगा आपको ये जो डेट है याद करवाने की, शायद आपको ये याद रह जाए। पहले मेरे
फ्रेंड्स आप देखिए कि जो भी चीज़ें करनाल में स्थित है उनके लिए मैंने एक अलग से ट्रिक बनाई है कि मिट्टी से गेहूं चरकर पशु दूध देने डेयरी पे गई, मिट्टी से, याद रखेंगे आप, मिट्टी राष्ट्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र करनाल में, गेहूं से गेहूं अनुसंधान केंद्र करनाल में, पशुओं से पशु अनुसंधान केंद्र करनाल में, राष्ट्रीय दूध अनुसंधान केंद्र करनाल में है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल में है, सब के सब जो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एक ही जगह पर हैं, करनाल। करनाल हरियाणा का पहला सुव्यवस्थित पत्ती से बसाया गया पहला शहर, पहला नगर करनाल, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए कितना डेवलप है, आप इसी बात से समझ सकते हो कि कितने नेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं यहाँ पे करनाल में स्थित है। नेशनल डेयरी है, दूध है, मिट्टी लवणता है, गेहूं अनुवंशिकी है, पशु अनुवंशिकी है, पशु अनुवंशिकी ब्यूरो है, सब के सब करनाल में एक ही जगह स्थित है। तो इनको याद रखना तो आपके लिए बहुत आसान हो चुका है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल, सब के सब हैं करनाल में, तो ये सारी की सारी जो डेटा आपको याद रहेंगे अच्छे से। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल, दूध अनुसंधान केंद्र करनाल, मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र करनाल, गेहूं अनुसंधान केंद्र, सबके सब राष्ट्रीय करनाल में। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकता अनुसंधान केंद्र करनाल, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी ब्यूरो, ब्यूरो इनकी इनसे रिलेटेड, पशुओं से रिलेटेड या पशुओं की अनुवांशिकता से रिलेटेड जिस भी प्रकार का जो डेटा कलेक्ट करने का काम होता है वो राष्ट्रीय अनुवांशिकी ब्यूरो का होता है। और जितनी भी स्कीम चलाई जाती है, जैसे हरियाणा में पशु उत्पादकता, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, बार बार ये पूछा जाता है कि पशु उत्पादकता प्रोग्राम जो है ये किस पशु से है, तो पशु उत्पादकता प्रोग्राम है प्रत्येक प्रकार का पशु जो बांझपन का शिकार हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे बकरी हो, सभी प्रकार के पशुओं के लिए हैं। जो भी पशुएं अपनी वंश को नहीं बढ़ा पा रही हैं उन पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए पशु उत्पादकता कार्यक्रम शुरू किया गया हरियाणा में, तो पशुओं से रिलेटेड है। तो यहाँ से हम चर्चा करूँगा मैं इनके बारे में, इनकी जो डेट है उनको याद करवाने की छोटी सी मेरी कोशिश। शुरुआत में देखिए, राष्ट्रीय डेयरी और दूध मैंने एक साथ लिखा हुआ है, डेयरी और दूध, इसको आप याद रखो कि आप डेयरी पे गए दूध लेकर, आपने वहाँ जाकर कहा जी मेरा दूध बताओ किस तरह लगेगा, मैंने मेरा दूध बेचना है आपकी दुकान पे, आप बताओ क्या रेट लोगे, तो दुकान वाले भाई साहब ने ये बोला कि देख भाई दूध दे लेंगे कोई दिक्कत को ना, बट 50 रुपये किलो से ऊपर रेट ना देते हम। तो जो देने गए तो वो बोला भाई 50 रुपये तो बहुत कम है, हमारा तो गाँव में भी आके 50 ले, तेरी दुकान पर तो देखा जाया करेंगे, तो यार यूँ मत कर 60 रुपये तो ला ले कम से कम। तो बोला भाई 50 से ऊपर 1 रुपया कौन देता भाई, चाहे देना हो तो दे चाहे ना दो जी बेशक। वो बोला भाई यूँ थोड़ा करे करे, इतनी दूर चल गए हूँ तेरे डेयरी पे, 60 रुपये तो नॉर्मल सा रेट है, 60 रुपये तो ले ले। बट बोला भाई साहब मैं कौन है लेता, 60 रुपये आपका, जहाँ 60 रुपये लग रहे हैं ओडा जाके दे दो आप। तो बोला अभी चलो यार इतनी दूर चल के आया हूँ, बात बीच में सट डालो, ना तेरा ना मेरा, ना मेरा 50 है ना तेरा 60, बीच का सट डालो 55 रुपये। दुकान वाला बोला चल रहा है भाई ठीक है, इतनी दूर चल के आया भाई तो 55 रुपये में इसका सौदा जो डन कर दिया। ठीक है जी, तो 55 से याद रख लियो आप सारे के सारे, जो डेयरी अनुसंधान केंद्र है ये 55 में स्थापित हो गया, दूध अनुसंधान केंद्र है 1955 में स्थापित, दोनों जो है ये 1955 में स्थापित हो गई, दोनों जो डेट एक साथ याद रखनी है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र 1955 में, राष्ट्रीय दूध अनुसंधान केंद्र 1955, दोनों 1955 में। ठीक है जी, याद रह लेंगे आपके। अगला देख लो, मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र, मिट्टी लवणता, इसको मैं याद करवाने के लिए थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। पीछे आपको याद होगा हमने ट्रिक करी थी HBSC की, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना 1969 में हुई थी, 1969 में। तो आप इसको यूँ याद रखो कि जिस वर्ष HBSC स्थापित हुआ था उसी साल हमने अपनी मिट्टी की धरती माता की सोगन खा ली कि अब की बार चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 8वीं की परीक्षा हो, चाहे 10वीं की परीक्षा हो, परीक्षा जुड़ सी भी हो जाए, अपन कति एकदम क्लियर करके छोड़नी है। ठीक है जी, तो यह डेट इस तरह से याद रखनी है आपने कि HBSC जिस दिन गठित हो गया उस दिन आपने मिट्टी की कसम खा ली, मिट्टी ठाई रे अपना माथा पर लाके यूँ कह दिया कि आज के बाद कौन सा ही पेपर हो चाहे सारे के सारे पेपर धुआं पाड़ एकदम निकाल ले से कमा हो ले। तो मिट्टी लवणता याद रखना 1969 में, इसको याद रखने के लिए मैंने आपको थोड़ा हिंट बताया आप याद रखने का। बाकी डेट अगर आपको याद रखनी है तो सबसे बेहद और सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि जो भी डेट है आप जब उसको पढ़ रहे हो उसी टाइम आप उस डेट को किसी ऐसी डेट से रिलेट कीजिए जो आपको अच्छे से याद भी हो और उसके बिल्कुल पास भी हो। इस डेट के जो सबसे बढ़िया आपको नज़दीक हो, यानी कि आप देख सकते हो उसको, 1966 आपको याद रहती है, 1966
66 याद रहती है, तो 66 के 3 साल के बाद, 66 के 3 साल के बाद यानी 69 को मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र स्थापित हुआ। ये बहुत बढ़िया तरीका हो सकता है, ये बहुत विद्यार्थियों की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि याद नहीं रहना। याद देखो ये हम सबकी समस्या नहीं है, ये इस यूनिवर्स का नेचर है, ये सबकी प्रॉब्लम है। दुनिया के बड़े बड़े विद्वान भी भूलते थे, आप भी भूलते हैं, मैं भी भूलता हूँ, सारे के सारे भूलते हैं। भूलना जैसे छींक आना एक नेचुरल क्रिया है, भूलना भी एक नेचुरल क्रिया है। भूलना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। दुनिया में जितने विद्वान हैं, सचिन तेंदुलकर भी भूलते हैं, हमारे पीएम साहब नरेंद्र मोदी भी भूलते हैं, और बराक ओबामा साहब भी भूलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी भूलते हैं। दुनिया के जितने बड़े विद्वान हैं सभी को ही भूलने की दिक्कत है, नेचुरली है, प्राकृतिक है। पर याद रखने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल, कि बार बार देखना, बार बार पढ़ना, बार बार देखना, बार बार पढ़ना। हम अक्सर देखते हैं कि घरों में जितने भी देखो आपके घरों में आसपास बहुत सारी है, घर में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनके नाम हमें बताए नहीं होते। जैसे कि मार्कर है, किसी ने नहीं बताया कि मार्कर होता है। घरों में आप देखते हो कि कितने कुछ हमारे बर्तन होते हैं, टोपिया है, बाटी है, देचकी है, कुड़ची है, कितने सारे होते, झाड़ू है, कोई नहीं बताता कि बेटा यह चमची है, देख लिए आगे तो याद रखिए चमची है या कटोरी है, फिर भी हमें सारे के सारे नाम याद रहते हैं। क्यों? वजह है क्योंकि हम उन बर्तनों को रोज़ाना देखते हैं, उन क्रियाओं को रोज़ाना देखते हैं, उनका रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, तो बार बार चीज़ों को इस्तेमाल करने से वो चीज़ें हमें अच्छे से याद रहने लग जाती है। अगर आपको मैं ये वीडियो नहीं डालूँ ना 20 दिन तो आप मुझे भी भूल जाओगे। तो बार बार देखना स्वाभाविक है। जब मैं आपके सामने यहाँ पे वीडियो के द्वारा आपके साथ आपके सामने पेश हो रहा हूँ तो आपको मुझे याद है कि हाँ जी ये आर के मेला साहब हैं और इन्होंने वीडियो बनाई है, तो कभी कभी देख लेते हैं हम भी, ठीक है। तो आप सभी इसी तरह से जो चीज़ें हमारे सामने आती है ना उन्हीं को हम याद रखते हैं। आप अपने देखिए, इस टाइम आप सारे के सारे मुझे देख रहे हो, आपको मैं याद हूँ, आपके चाचा ताऊ बुआ उनको आप याद नहीं रखते, जब जैसे वो आपके सामने आते हैं आप उन्हें याद रखते हो। तो याद रखने का बेहद अहम तरीका क्या है कि आप चीज़ों को रोज़ाना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे ढाल लीजिए कि हर एक या दो दिनों के बाद जो चीज़ें ज़्यादा आपको याद नहीं रहती उनको बार बार आपको देखना है, बार बार देखना है, निरंतर देखना है। बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी, थोड़ी चीज़ें पढ़नी है, पर उनको बहुत बार पढ़ना है। याद रखने का तरीका, कॉम्पिटिशन क्रैक करने का तरीका, 10 किताबें नहीं पढ़नी, एक किताब को पढ़ना है पर उसे 10 बार पढ़ना है। दिस इज़ द वे ऑफ कॉम्पिटिशन, सो दैट इसी तरह से आप सारे के सारे कॉम्पिटिशन भी क्रैक कर जाओगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द आपके जीवन में बहुत सारे ढेर सारी खुशी आने वाली है। HSCD जो है एक बहुत बड़ा ऑप्शन है हरियाणा के सभी छात्रों के लिए, और मेरी तहे दिल से उन सभी के लिए बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। गेहूं अनुसंधान केंद्र करनाल में चर्चा जारी रहेगी, दोबारा से देख लीजिए। डेयरी अनुसंधान केंद्र 1955, दूध और डेयरी के बीच का मसला 55 रुपये में हमने निपटा दिया था कि जो ठीक है जी दूध आज के बाद अपा 55 रुपये में दिया करेंगे। मिट्टी लवणता, मिट्टी यानी कि मिट्टी धरती माता की सोगन खा लेगी, आज के बाद HBSC का पेपर क्लियर करना ही करना है, और इस बार ये कसम खा लो भी HSCC का पेपर क्लियर करना ही करना है। गेहूं अनुसंधान केंद्र 1978, इसको याद रखने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट हो जाएगा, कोई दिक्कत को ना। देखिए कुछ भी असंभव नाम का शब्द है नहीं। गेहूं, गेहूं को यानी कणक, मान लो अपना खेत के अंदर क्या हो गया, आप कणक कटवा ली, बोरिया में डलवा ली, ट्रॉली में लाद दी और घर ले आए। घर ले आते अपना क्या बोलेंगे, जो भी कणक उतारना है उसने बोला भैया कणक का बोरा ना अड़े रख दियो, कणक जो है अठे रख दियो, इल पास रख दियो, एक साइड में रख दियो, तो अठे रख दियो, अठे से याद रख लेना 78 है, ठीक है। बाकी इसकी कोई स्पेशल ट्रिक मुझे सूझी नहीं है, बट अगर आप और भी किसी तरीके से याद रख सकते हो तो सबसे बढ़िया तरीका आप उसको याद ही रख लीजिए बार बार पढ़ के। तो बाकी गेहूं जो है, गेहूं की बोरी 8 रख, 8 से 78, ठीक है जी, 8 रख दे 78। पशु अनुवांशिकी बहुत आसान सा तरीका याद रखने का, 1984 में स्थापना हुई थी इसकी, 1984। देखो पशु क्या करते हैं, हमेशा गेहूं चर कर आए थे, चर कर यानी कि पशु, बागड़ियों में कहते हैं ना कि पशु मारा तो डांगर चरसी, तो चरसी मतलब मारा तो पशु, चरसी तो चरसी मतलब पशु जगह है, चरसी मतलब 84, पशु चरसी तो मतलब 84, मारा तो पशु है जगह चरसी, चरसी का मतलब होता है कि मारा तो पशु चरेगा, तो चरेगा मतलब मारा तो पशु चरसी, तो चरसी से याद रखना 84 है। और अगर आपको जांच पड़ताल करनी है इनकी तो इस साल तो हम आपको बताएंगे नहीं क्योंकि इस साल तो हमारे पशु चरेंगे, अगले साल आइएगा, अगले साल आपको पक्का पता चलेगा कि गेहूं जो है या जो हमारे जानवर है वो क्या क्या चरते हैं, गेहूं चरते हैं क्या चरते हैं, तो अगले साल यानी कि 1985 में हम बताएंगे ब्यूरो को, ब्यूरो यानी कि जो जांच पड़ताल एजेंसी है इसको अगले साल पता चलेगा। 84 में चरसी पशु अनुवांशिक का ब्यूरो, 1985 अगले साल की चर्चा है। तो ये सारे के सारे अनुसंधान हमारे हो चुके हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि शिक्षा से संबंधित है वो भी हम इसमें अभी थोड़ी देर में चर्चा कर लेंगे, बने रहिए। कुछ और चीज़ें भी आपको याद रखनी है इसके साथ साथ,
बहस अनुसंधान केंद्र 1985 हिसार में, ये भी आप ब्यूरो के साथ याद रखिए, जब पशु अनुवांशिक की ब्यूरो स्थापित हुआ 1985 के अंदर, 84 में पशु अनुवांशिक की ब्यूरो, 1985 बहस अनुसंधान केंद्र 85, पर ये करनाल में नहीं है, आप याद रखिएगा, दिस इज इन हिसार, हिसार में सीखा है। इसके अलावा कुछ और विश्वविद्यालय हैं, इनके भी नाम और जगह का जो प्लेस है इनका, ये भी पूछा जा रहा है। ओपी जिंदल, ओम प्रकाश जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय सोनीपत में है। ओपी जिंदल के हिसाब से जैसे जिंदल एंड जिंदल कंपनी जो है हिसार में है आयरन की, और फिर हिसार को इसीलिए आयरन सिटी भी कहा जाता है, तो सोनीपत है ये, तो ओपी जिंदल के हिसाब से कहीं आप हिसार मत कर दीजिएगा इसे, ये सोनीपत में स्थित है, ओपी जिंदल ग्लोबल सोनीपत में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT जो है, NIT कुरुक्षेत्र, आप सभी को पता है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र नेशनल ब्रेन इंस्टीट्यूट, ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये, नोनवाल क्षेत्र मानेसर गुरुग्राम में है, नोनवाल जगह का नाम है मानेसर गुरुग्राम में। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय मुलाना गांव अम्बाला केंद्र है। राष्ट्रीय रक्षा अनुसंधान केंद्र ये भी नोनवाल मानेसर गुरुग्राम। डॉक्टर राधाकृष्ण मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल ये स्थापित है भिवानी में, ये अमेरिका का 1930 के अंदर अमेरिका में सोंट डेरी नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक वहाँ एक स्थापित किया था स्कूल, उसी के आधार पर है ये, तो अमेरिका पद्धति के ऊपर आधारित ये स्कूल है। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कुंडली गांव सोनीपत, और ये सोनीपत जो है आप बहुत बार आपने सुना होगा कि हरियाणा का एजुकेशन सिटी किसे कहते हैं, तो सोनीपत एजुकेशन सिटी का मतलब ये नहीं कि सोनीपत जो है शिक्षा के मामले में बहुत आगे है, एजुकेटेड नहीं है इतना, मतलब इतना नहीं है, वैसे एजुकेटेड क्षेत्र है, एजुकेशन का काफ़ी डेवलप है, इतना नहीं है जितना कि गुरुग्राम में हम देखते हैं। गुरुग्राम जो हरियाणा का सबसे एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट है, परंतु इसे सोनीपत को एजुकेशन सिटी सिर्फ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कुंडली क्षेत्र में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी स्थापित की गई है। तो ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो चुके हैं, आपके बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमने सुना, और थैंक यू सो मच, शुक्रिया।